ये कहानी सुंदर वन जंगल की है। चिड़िया, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, पल पल में मेरा गला सूख रहा है। अब गर्मी ऐसे ही पड़ेगी, सर्दियों के दिन खत्म। अब हमको ऐसे ही तेज धूप में उड़ना होगा। आज कालू गोरी दोनों पति पत्नी चिड़िया के साथ भोजन की खोज कर रहे थे, मगर कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। चिड़िया, अभी दाना लेने के लिए कितनी दूर जाना होगा? पता नहीं गोरी, दाना कहीं भी मिल सकता है, बस हमें अपनी कड़ी नजर के साथ उड़ते रहना होगा। फिर वो तीनों दोस्त दूर दूर तक उड़ते हैं। गोरी कवि की नजर केले के बाग पर जाती है। मिल गया चिड़िया, हमें भोजन मिल गया। वो देखें कितने सारे केले के पेड़। नहीं गोरी, अभी हमें भोजन नहीं मिला, वो केले का बाग एक कबूतर चाचा का है। अगर तुमने उसके बाग से केले चुराए तो बाग का मालिक लाठी से मारेगा। अगर हम बाग के मालिक को पता लगने ना दे तो कैसा रहेगा? नहीं कालू, मैं बाग से केले नहीं चुराऊंगी, मैं अपनी मेहनत से दाना लाऊंगी। यही मेरी माँ ने सिखाया है, चोरी करना बुरी बात है, आप भी ना करें चोरी। कालू चिड़िया को जाने दो दाना ढूंढने, हम तो ये केले ही खाएंगे। तो दाना चोरी करते पकड़े जाओगे और फिर बुरी तरह से पिटोगे, इसलिए चोरी का विचार छोड़ दो और मेरे साथ चल के मेहनत का एक डरपोक कमजोर चिड़िया, हमको वे किसी से नहीं डरते। जाओ जाओ जाओ, आगे की तरफ जाओ, हमें नहीं आना तेरे साथ। ऐसे बोलकर कालू कवा और गौरी कवि केले के बाग नजदीक चले जाते हैं और चिड़िया मेहनत से दाना लेने आगे की तरफ उड़ जाती हैं। वो रहा बाग का मालिक, मुझे तो लगता है ये गहरी नींद में सो रहा है, ये सही मौका है केले चुराने का। चलो तो बिना कोई आवाज के धीरे धीरे से केले तोड़ना, कबूतर की आंख ना खुल जाए। बातें कर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता केले के पेड़ में चले जाते हैं। कालू कौवे ने केले का एक चुका धीरे से तोड़ लिया था, मगर गोरी से केले तोड़ते समय एक केला गलती से नीचे गिर जाता है और बाग के मालिक की आंख खुल जाती है। भागो कबूतर जाग गया, जल्दी भागो। चोर चोर, मेरे बाग में चोर घुस गयी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डंडा कहाँ है मेरा। कालू गोरी तुम दबा के भागते हैं, तब भी कबूतर नीचे से एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है। वह पत्थर कालू की आंख पर लगता है। आज तो बच गए ये शैतान कौवे, अगर फिर से आए तो छोड़ूंगा नहीं, लाठी से मारूंगा। आज तो मैं अंधा ही हो जाता, शुक्र है जो पत्थर आंख के थोड़ा ऊपर लगा। हाँ हाँ, आंख फूटी तो नहीं है, देख पा रहे हो। अब छोड़ो, ये सब मजे से केले खाते हैं। फिर वो दोनों मजे से केले खाते हैं। चिड़िया भी अपना दाना लेकर लौट रही थी, तब गोरी कवि उसे बोलती है। डरपोक चिड़िया, अगर तू भी हमारे साथ चलती तो हमारी तरह ये स्वादिष्ट केले खा रही होती, ना कि ये सूखा दाना। मैं अपना सूखा दाना खाकर ही बहुत खुश हूँ। आप दोनों ही खाएं, हराम की कमाई चोरी करके खाते हो। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन उन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी मजे से केले खा रहे थे और दूसरे दिन भी केला चुराने चले जाते हैं। गोरी, बाग का मालिक जगा हुआ है, अब कैसे केले चुराएंगे? थोड़ा इंतजार करो, सुबह से रखवाली कर रहा होगा, ये कबूतर थक गया होगा, इसकी आँख जल्दी ही लग जाएगी। फिर वो दोनों का भी वहीं पर इंतजार करते हैं। बाग का मालिक कबूतर थक गया था। सुबह से बैठा नहीं हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूँ, आँख पे पत्थर लगने के बाद वो कौवे नहीं आएंगे। ऐसे कबूतर अपनी खाट पर लेट जाता है, गर्मी की ठंडी ठंडी हवा में उसको नींद आ जाती है और वो तो सो जाता है। तभी कालू गोरी एक एक केले का चुका तोड़ लेते हैं। गोरी तुम जरा यहीं रुको, मैं अपनी आँख का बदला लेता हूँ, इस कबूतर से मेरी आंख अभी तक दुख रही है। कालू थोड़ा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो बदला लेने के चक्कर में खुद ही पिट जाओ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस ये रस्सी बांध के आता हूँ।
आखिर कालू कौवा वह रस्सी लेकर कबूतर के पास जाता है। वह कबूतर की दोनों टांगों में रस्सी बांधता है और रस्सी को ऊंचे के पेड़ से बांध देता है। फिर जोरदार थप्पड़ कबूतर के गाल पे मारता है। चोर दुष्ट को भी मुझे मारते हो, रुको मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ। पिछली बार पत्थर मारा था, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मोटे कबूतर कहीं के कबूतर जैसे ही उड़ता है वो उल्टा पेड़ से लटक जाता है। उसको हवा में उल्टा लटक के देख कालू गोरी तो खूब हंसते हैं। यूं ही हवा में बड़ा शौक है ना पत्थर फेंक के मारने का। चलो गोरी, पता नहीं बेचारा कब तक ऐसे ही उल्टा लटका रहेगा। फिर वो दोनों कावे केले चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा कबूतर मदद के लिए खूब चिल्लाता है मगर उसकी रस्सी खोलने वहाँ कोई नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद रस्सी टूट जाती है और कबूतर सर के बल नीचे गिरता है। उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगता है। जालिमो, एक तो मेरे केले चुरा लेते हैं, ऊपर से मुझे ही रस्सी से बांध गए। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सबक देकर रहूंगा, बदला लूंगा अपना। ऐसे कहते हुए कबूतर अपने दोस्त मधुमक्खी के घर जाता है। दोस्त, आपके सर से तो खून निकल रहा है, आपको किसने मारा है, ये चोट कैसे लगी? मधुमक्खी दो कौवे जो मेरे बाग से केले चुराते हैं और इस बार तो मुझे मार के गए, रस्सी से बांध के उल्टा लटका दिया। तो बताए दोस्त, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बस उन दोनों को ऐसा सबक सिखाओ वो फिर दोबारा से मेरे बाग की तरफ मुड़के भी ना देखे। फिर मधुमक्खी अपने साथियों के साथ कबूतर के बाग में चली जाती है। वह सब मक्खियाँ केले के पेड़ में छिप जाती है। कालू, चलो आज तो मनमर्जी के केले लाएंगे, वो बूढ़ा कबूतर तो मिलेगा ही नहीं, डर के मारे घर में छुपा बैठा होगा। ऐसे कालू गोरी बड़े चाव से केले के बाग में पहुंच जाते हैं। कबूतर को अपने खाट पर ना देखकर वो बड़े खुश होते हैं और मनमस्त होकर केले तोड़ने लग जाते हैं। तो कभी नीचे फेंकते वो कबूतर का भारी नुकसान भी कर रहे थे। ये कौवे तो बड़े ही चालाक हैं। सही किया कबूतर दोस्त ने, अब हमें इनको सबक सिखाना होगा। चलो बहनों, इन बुरे कौवों पे अटैक करो, छोड़ो ना नहीं। फिर वो सारी मधुमक्खियाँ पलक झपकते ही गोरी कालू पर हमला करती हैं। मधुमक्खी उनको डंक मारती है। कालू गोरी तो जमीन से उड़ भी नहीं पाते। बड़ी मुश्किलों के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनका पूरा शरीर सूज गया था। कालू गोरी, आपको ये क्या हुआ, एकदम से मोटी कैसे हो गए? कहीं ये केले चुराने का कमाल तो नहीं है? सही कहा चिड़िया, ये सब केले चुराने का ही कमाल है। कबूतर के बाग में ये मोटी मोटी मधुमक्खियाँ हैं, अब कभी भी भूल के नहीं जाएंगे। उनकी ऐसी सूझी हुई हालत देखकर चिड़िया तो खूब हंसी। कहानी सुंदर वन जंगल की है। उस जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया भी रहती थी। वो अपने पति चिंटू के साथ एक पेड़ पर रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। जब भी कोई पक्षी अंडा देता था तो कालू कौवा चुपके से जाकर अंडा चुरा लेता था और फेंक देता था, जिससे अंडा फूट जाता था। सारे पक्षी कालू से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति चिंटू से कहती है, आपको पता है वो कालू कौवा सभी पक्षियों के अंडे चुरा कर लेके जाता है। अगर उसका मन करता है तो वो अंडों को वहीं पर फोड़ देता है। मुझे डर है कि कहीं वो कालू कौवा हमारे अंडे ना फोड़ दे। कुछ ही दिन में हमारे अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकलने वाले हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएं। तुम चिंता क्यों करती हो टोनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं देखता हूँ वो दुष्ट कौवा कैसे हमारे अंडों को चुरा कर ले जाता है। देखना, हमारी गोद में दो नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमें दो बच्चे नसीब होंगे। मुझे तो हर वक्त यही चिंता सताती रहती है। बस कुछ दिन तक हमें अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। बस एक बार इन अंडों से बच्चे निकल जाए तो इतनी चिंता नहीं होगी। तुम चिंता मत करो और ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। चलो मैं अब दाना लेने जा रहा हूँ, तो तुम अपना और अंडों का ध्यान रखना। ये बोलकर चिंटू चिड़ा जंगल में दाना लेने चला जाता है। टोनी चिड़िया अपने अंडों की देखभाल करने के लिए बैठी हुई थी कि कहीं वो दुष्ट कालू कौवा वहाँ आकर उसके अंडों को ना चुरा ले जाए। तभी वह दुष्ट काला कौवा वहाँ आता है। टोनी चिड़िया उस दुष्ट कौवा को देखकर घबरा जाती है। अच्छा तो तू यहाँ अपने अंडों की रक्षा करने बैठी है,
तुझे क्या लगता है मैं तेरे अंडों को यहाँ से चुरा नहीं सकता? देखो मेरे अंडों को हाथ मत लगाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम आगे भी बढ़े मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तो तू एक छोटी चिड़िया मेरा मुकाबला करेगी? मुझे मार डालेगी? मैं तो डर गया। बचा ले भगवान बचा ले। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तभी कालू कव्वा टोनी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में टोनी बहुत जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। छोटी चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी तू, तो मुझे जान से मारने वाली थी। अब क्या हुआ, खुद ही जख्मी पड़ी है? देखो कालू कोवे, मेरे अंडों को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे अपने अंडों के लिए भीख मांगती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे अंडों से बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चों पर रहम करो। टोनी चिड़िया कालू कव्वा के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर कालू कव्वा को टोनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तू मेरे सामने कितना ही गिड़गिड़ा ले, लेकिन मैं तेरे अंडों को लेकर ही जाऊंगा। आज कोई तेरे अंडों को मुझसे नहीं बचा पाएगा। कालू कव्वा टोनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसके अंडों को वहाँ से उठाकर ले जाता है। तभी चिंटू चिड़ा वहाँ आता है। क्या हुआ टोनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, वो कालू कौवा ना हमारे अंडे चुरा के ले जाएगा। मैंने अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस कौवा से हार गई और वो कौवा हमारे अंडों को लेकर भाग गया। मैं उस दुष्ट कौवे को नहीं छोड़ूंगा। चलो अभी हमें उसके एरिया में जाकर अपने अंडों को लेकर आना होगा। कहीं वो हमारे अंडों को फोड़ ना दे, हमें उसे अपने अंडे छीन कर लाने होंगे। हाँ आप सही कह रहे हो, हमें तुरंत वहाँ जाकर अपने अंडों को लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। नहीं टोनी, चलो ढूंढने, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम अपने आने वाले बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों उस कालू कव्वा के पास जाते हैं। वहाँ पहुँचकर दोनों देखते हैं कि कालू अपने घोंसले में रखे दोनों अंडों को खोलते जा रहा था। तभी चिंटू चिड़ा आवाज लगाता है। ओ दुष्ट कौवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को चुरा कर लाने की? अगर तूने हमारे अंडों को जरा भी नुकसान पहुँचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ भी चले आए, अब आ ही गए हो तो तुम दोनों को भी सबक सीखा ही देता हूँ लगता है। तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम दोनों का भी अंत करना पड़ेगा। तुम क्या हमारा अंत करोगे कालू कौवे? तुम्हें तो आज धूल छटाकर ही दम लूंगा। तुझे क्या लगता है मैं अकेला हूँ? तभी कालू कौवा अपने साथी को आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है। अरे इस कालू कौवा ने तो अपने साथी को बुला लिया, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि ये दोनों कौवे हमें मार देंगे। देखो टोनी, मैं किसी तरह इन दोनों का ध्यान भटकाता हूँ, तुम अंडे लेकर यहाँ से चली जाना। नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, हम दोनों मिलकर इन दोनों कौवा का सामना करेंगे। तुम समझने की कोशिश करो, हमने से एक को अंडे को लेकर जाना ही पड़ेगा, हम इन दोनों को ऐसे नहीं निपट पाएंगे। क्या हुआ चिंटू, दो कौवे देख कर डर गए? तभी वो दोनों दुष्ट कौवे मिलकर चिंटू और टोनी पर हमला कर देते हैं। इससे टोनी और चिंटू बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों के शरीर से काफी खून निकल आता है, इसलिए दोनों जख्मी हालत में वहीं गिर जाते हैं। क्या हुआ चिंटू, हवा निकल गई? यहाँ आने के बाद तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे धूल चटा दोगे, अब क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने खुद दूर चटा दी। चिंटू जी हमें अपने अंडों को भूल जाना होगा, हम यहाँ से चलना होगा। हम इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। चलो यहाँ से चिंटू जी। ऊपर वाले, अब तू ही हमारी सहायता कर, हमें इस दुष्ट कौवे से बचा ले और हमारे अंडे हमें सही सलामत दिला दें। कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनकी रक्षा कर, उन्हें बचा ले।
दोनों रोते रोते जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ वहाँ आता है। दुष्ट कालू कौवा बाज को देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम दोनों इस तरह यहाँ जख्मी हालत में क्यों पड़े हो? इस दुष्ट कौवे ने हमारे अंडे चुरा लिए और अपने साथी के साथ मिलकर हमें बहुत मारा है। बाज तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो हो गई है हमारी तुमसे, हम तुम्हें अभी मजा चकाते हैं। तुम तो इन चिड़िया के दुश्मन हो, फिर भी तुम इनके लिए हमसे दुश्मनी लेने जा रहे हो। दुश्मन तो तू है, इस समय मेरा सीधे तरीके से इनके अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मरूंगा। लगता है तुझ बास को भी आज सबक सिखाना होगा। बहुत हमदर्द बन रहा है ना इस चिड़िया का, ये तो समय ही बताएगा कौन किसे धूल चटाता है। आज तो तू गया, चलो कौवे अटैक करो। बाज कौवे पर हमला कर देता है। बाज दोनों कौवे को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी टोनी अपने अंडों के पास जाती है। फिर टोनी और चिंटू दोनों अपने अंडों को कौवे के घर से सही सलामत निकाल लेते हैं। बाज जी, आज आपका दिल से धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो हम अपने अंडों को इन कौवे से नहीं बचा पाते, आपके कारण ही हमारे अंडे से सही सलामत है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। छोटे पक्षियों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आप अपने अंडों को खुशी से अपने घर लेकर जाइए। इस तरह बाज ने मासूम टोनी और उसके अंडों को बचाया। कुछ दिनों बाद अंडों में से नन्हे नन्हे दो बच्चे निकल जाते हैं। अब टोनी, चिड़िया और चिंटू अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही टोनी चिड़िया के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।